दिया जड़ा ना करो भीतर तक काले हो जोगे कमेंट में गाले दियो साले हो जोगे लांग गम घर दे के अमरीका जाओगा मां का अगर दी धारा टेम ती उल्टा है लिए कदे अमरीका देखा था अमरीका जाएगा और दोस्तों मैं अभी अमरीका में खड़ा हूँ यहाँ के अमरूद खा लो अरे अरे हैं तेन कह दिया था तू 10 से 15 दिन जीवेगी डॉक्टर ने कह दिया था मेरी वीडियो देखा कर दी वा और पूरी रात जी रहने लग गई वो 3-4 महीने आराम तो कह दी उसका इंजन लास्ट टाइम बोले लहंगा पांगा बोले थे मैंने लहंगा पांगा बोलिया दोस्तों देखो अभी हरियाणा में गोवा जाने की जरूरत नहीं है इतना पानी इकट्ठा होगा टीप लेके अड़े ना लो गोवा अड़े है लहंगा पांगा जरे आंटी देखने वाले साथ दर्शकों विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों भाई आज हम पहुंचे हैं भाई लहंगा पांगा जो कि भाई एक बहुत ही भाई जो फेसबुक पेज पर काफी जो भी सोशल मीडिया पर भाई फेमस है भाई और इनके पास हम पहुंचे हैं और पहली बार इंटरव्यू करने जा रहे हैं भाई का। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई लहंगा पांगा आपका धन्यवाद भाई साहब आप मेरे पास पहुंचे हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों राम राम जी। तो देखिए भाई लहंगा पांगा के नाम तो भाई आसन लाएंगे लेकिन क्योंकि भाई जो सोशल मीडिया पर है लहंगा पांगा के नाम तो भाई ज़्यादा जाना भाई ने तो भी जानना चाहूँगा भाई तय भाई कित करने वाला है और के कुछ नाम है सही नाम रियल भाई भाई ये बताओ आपका नाम तो वैसे तो सोशल मीडिया पर है जो आप ना जाना है लहंगा पांगा नाम तो जाना है लेकिन आपका रियल नाम के है कित करना है पूरा आपका जो वो बता दे भाई जो करे मेरा नाम वैसे तो विनय दहिया नाम है और सोशल मीडिया वैसे हैशटैग लहंगा पांगा पर हो गए ना तो मेरी वीडियो लिख के आ जाऊंगी करीबन मेरे 200-250 वीडियो हैं यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी रीलां पर इंस्टाग्राम पर ही वह थोड़े दिन पहले आईडी बनाई किसी ने कही इंस्टाग्राम पर भी आईडी बना ले मेरी वैसे फेसबुक रील पर वीडियो चला करे ज़्यादातर मोस्टली तो जींद का ही रहने वाला हूँ मैं जींद के अंदर रहा करूँ कि हर समा को होती है आस की उसे मिले परवाना सिखूँ वतन का लेकिन लोग कहते हैं मुझे तेरा दीवाना नाम भी ना दिया फ्रॉम जींद हरियाणा कभी मिलने का दिल करे तो जींद में आना फ़ोन मिलाना नंबर डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस फोन पर नंबर फ़ोन मिलाना आपकी खिदमत में होगा ये परवाना अच्छा लगे तो अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना धन्यवाद। अच्छा भाई विनय आप ये बताओ मतलब जो आपने जो स्टार्ट किया था ये जो रील बनानी स्टार्ट की थी मतलब आपने कब से की थी ये यो भाई साहब वो लिए 6-7 महीने हुए थे एक दिन हम बैठे थे वैसे ही ये खेत में जा रहे एक दोस्त के और बैठे बैठे दिमाग में आ गया नू बोले वो सारी वीडियो बनाओ तो तन भी बनानी चाहिए भाई फिर मैं बैठा था मेरे मैंने ऊँ वीडियो उन्होंने बोला मास्टर को बना के देख जूर अपने कई स्टूडेंट भी हैं मैंने बोले कि मास्टर आपने बनानी चाहिए कुछ सी वीडियो मैं बनाने लगे एक वीडियो मैंने बनाई मैं बोला दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ एकदम पत्थर टम्पू लिखा नू मैं बोला अरे बात तो बताने दो और जब एक दिया लहंगा पांगा कंधे और वह उस वीडियो के आज इस टाइम पर देखोगे ना 4 मिलियन व्यू हैं उस वीडियो के। अच्छा अच्छा हाँ सिर्फ मैंने नू कहा था 10 सेकंड की वीडियो थी कि अरे बात तो बताने दो बस इतने में लोगों ने उस पर मतलब और एक खास बात मैं बता देता हूँ देखो कभी भी आप है ना लोगों को हंसाने के लिए निकलोगे ना लोग आपको रुलाने के लिए निकलेंगे मेरे है ना कम से कम वीडियो 250 वीडियो हैं और कम से कम 1 करोड़ व्यू हैं उनके वीडियो 1 करोड़ कम से कम व्यू हैं कम से कम बता रहा हूँ 4 मिलियन 2 मिलियन 6 मिलियन को वायरल है वीडियो उसके नीचे है ना कम से कम ज्यादा नहीं कहना 50,000 कमेंट हैं उन 50,000 कमेंटा में तो 40,000 कमेंटा में गालियां हैं गालियां जी जी और गालियों के अंदर भी छोटी मोटी गाली नहीं जो मैं भीतर तक की गाली दे रखी है। अच्छा देख माफ की है बीच में बात काटना चाहूंगा ये सवाल ये मैं आपसे करने वाला था कि सोशल मीडिया पर जब आप कोई भी डालते हैं तो कमेंटों में काफी जो लोग गालियां देते हैं तो आपने उसका रिप्लाई दिया था हंसी के तौर पर उसी अंदाज में थोड़ा बताइए आप जैसे एक ने नुका देवा है तारा बाबू ते मैये और वो कई गाल हुए हैं डिफरेंट तरीके के हरियाणा में गाल हुए हैं अलग अलग तरीके की गालियाँ हुए हैं तो मैंने ना कदे भी 40,000 गालियों का मान के चलो 49,000
1000 बंदा ही मेरे को कमेंटा में लिख रहा था, भाई साहब आपकी वीडियो देखे बिना मेरी सांस नहीं आती, आपकी अच्छी वीडियो है, मुझे हंसी आती है। एंड तो 49,000 लोग गालिये गाली दिया करें, क्या प्रभु चलने वाले हैं उनका, कदे भी मैंने रिप्लाई नहीं करा। अच्छा नहीं, देखिए जो गाली देते हैं क्या फिर आपसे उनको जलन होती है? जलन तो उस ना जो गेले खड़ा हो, ऐसे बंदे हैं भाई उनने सिर्फ गाड़ देने तो मतलब कोई फंस जाओ। इब अरस्सीकारा बरगे हैं, राज भाई साहब बरगे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लोग इन्हें भी गाड़ देते हो? गाड़ आदमी किसी ने भी देश का, उसकी समझ पर डिपेंड करे किन्ने दिन लग रहा। मेरा काम लोगों का सहना, आज तक रिकॉर्ड मेरी कोई भी वीडियो उठा ली मैंने किसी से गलत नहीं कहा। बस एक दिन आद हो गई थी, एक दिन एक बंदन वीडियो दिखाया मेरा, पता है कि भाई तारा सौ आई सी भूडी भूडी वीडियो बना मेरा, अपन सारी वीडियो देखी एक में भी गाल नहीं पाई ना, तो भूडी बना है कोनी बोला लोग हम गलत फर्क पड़ा ये देख गाल देना है अपन आया मेरी पिटाई कर दी। तो मैंने एक उस पर डायलॉग बना दिया था उन, बोला एक गाना नहीं केपी कुंडू का के जड़ा ना करो भीतर तक काले हो जाओगे, मैंने कह दिया जड़ा ना करो भीतर तक काले हो जाओगे, कमेंट में गाले दियो साले हो जाओगे लांगा पांगा। तो भाई देख सको बहुत ज्यादा हास्या जी में लांगा पांगा बोला ना, बहुत बढ़िया हास्या। अच्छा आप ये बताओ मतलब आप कहीं भी बाहर जाओ हो या फिर जींद में कहीं घूम फिर रहे हो तो मतलब ऐसा कोई मिला आपका कोई प्रशंसक भाई जो आपका दर्शक? प्रशंसक की बात ऐसे है जो 40-45,000 लोग गाल दिया करते, आज तक मैंने वो सिंगल बंदा नहीं मिला, एक भी सिंगल बंदा नहीं मिला जो बंदा नुकंदा वो सामी आके भाई साहब आप गलत बोलो हर वीडियो ना बनाया करो। सेकेंडली जो मैंने अप्रिशिएशन करे हैं, जो मतलब सपोर्ट करे हैं, एक विजय यादव है कोटपुतली थे, एक पूजा है पूजा चौधरी जयपुर थे, कितनी दूर दूर के लोग हैं, एक बॉम्बे में है ओम कौशिक ऐसा कुछ नाम है ठीक है, उसके बाद एक अमित है कुरुक्षेत्र से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं गिनती है कोनी जो मैंने सपोर्ट करे हैं। सीधे फोन करें भाई साहब आज लाइव क्यों नहीं आए, आपकी लाइव देखे बिना मेरा पूरे दिन की हार नहीं उतर दी। अच्छा अच्छा बता हमने कितनी खुशी होगा किसी का काम आने लगे यहाँ पर। अच्छा मतलब जींद में घूम फिर हो नू भी कंधे होंगे तो राम रामदा का छोरा है इसे कुछ भी सवेरे सवेरे मैं 6-7 बजे उठ जाऊं, मतलब अभी थोड़ा थकान का टाइम चल रहा है कुछ का, जैसे मेरा शूटिंग का काम है शूट करा मैं, लोग शूटिंग बुलाओ एक्टिंग भी करवाऊ है डायरेक्शन का भी काम प्रोडक्शन का भी काम है, तो कई बार थकान हो जाए ना तो 30 में 28 दिन में रेस मारने का बहुत शौकीन हूँ, मतलब बॉडी ने फिट रखा करूँ। तो परसों की बात है मैं सेक्टर 8 के अंदर रेस मारूंगा, तो भाई साहब एक गाड़ी चली गई, मैं उड़ा एक्सरसाइज करूँ, गाड़ी चली गई 1 किलोमीटर फिर वापिस आई, वह मेरे ने कौन सी थी नाम मेरे ध्यान को नहीं, वापिस आई बोला भाई साहब लांगा पांगा और कुछ नहीं, बोला भाई साहब लांगा पांगा, मैं बोला है हाँ लांगा पांगा नवाजी भाई साहब आपकी वीडियो देखा करा, एक वीडियो मार के लोग, मैं बोला भाई साहब फोन तो ले रहे हैं फोन तो है करा अपने फोन तो वीडियो बनाई, उसने कई के लिए फोटो दिखाया मैं इसी के लिए फोटो, लेकिन आपके लिए जो मजा आया ना मैं स्पेशल गाड़ी मोड़ के आऊँ आप तो मिलने खातर, मैं ऑफिस में जाऊँ तो मेरा कौन सा ऑफिस में जॉब करा है। देखो फैन फॉलोइंग नहीं कंधा, जो मित्रगण जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी सपोर्ट भगवान की दाता ई मिलनी शुरू हुई है भाई, लोग मन देख कर खुश हों और आके मिला इतनी दूर 1 किलोमीटर गया फिर उल्टा आया मेरे तक मिला। और कई बार देखो बंदा गया अच्छे दिन बुरे दिन सारे डाल के चल दे रहे हैं, तो आप मम्मी की भी सपोर्ट करा, मम्मी की भी छोटी मोटी दुकान है उसमें काम भी करावा, तो मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, आदमी ने अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए ठीक है। तो जड़े भी आप खड़े हो जाओ मान के चल मैं पटियाला चौक पर खड़ा हो गया, 5 बंदे कम से कम ओढ़े तो ओढ़े भी मिल जाओगे मैंने जान पहचान जो देखा है मेरी वीडियो आके मिलेंगे, मतलब भगवान की दयाते हैं फैन फॉलोइंग दोस्ती कह रहे हो इसकी कोई घाटा नहीं रह रही अपना दौरे। अच्छा आप ये बताओ आपका देखा ना जो कड़ी मुड़ी पे लड़का, देखिए मैं भाई अभी अमरीका में हूँ अभी मैं यहाँ पे हूँ, क्या कुछ पागल बना रखा है पब्लिक का, ये बताओ उसके बारे में। देखो पहली बात तो लोग पागल नहीं है मेरी वीडियो देखे हैं, दूसरी बात अगर पागल हैं तो वीडियो देखा करो भाई। अच्छा मन ने सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी तीसरी बात ये है मेरा सपना था बचपन में चाहता हूँ वहाँ आर्मी में लागू, आर्मी में लागने का सपना था या पुलिस में, दूसरा मेरा सपना था किते कि मैं नहीं होया ना मैं अमरीका जाऊँ। अच्छा मतलब गम का हर देख के अमरीका जाओगा, माँ का अगर दी धारा है टेम ती उल्टा है लिए कदे अमरीका रह जाए। अच्छा तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अमरीका मनु का करो क्योंकि लोगों के लिए वो एक ड्रीम है, मेरे लिए भी ड्रीम है काफी लोगों के लिए ड्रीम है, वह अमरीका क्रैक की चीज है वह के भाई
राम तो रजाना हो है एक तरह से देखा तो अमरीका जहाँ देखा। और दोस्तों मैं अभी अमरीका में खड़ा हूँ, यहाँ के अमरूद खा लो, अरे अरे हैं पीले पीले हैं, चाहे मैं नींबू ले रहा हूँ फिर कह दू लाऊंगा पाऊंगा। जी जी, मतलब कुल मिला के ना जो विनद यह है सिर्फ पब्लिक का एक एंटरटेनमेंट कराता है, उनको आसान काम करता है। कई एक एक राज्य में एक बात बताता हूँ, एक पानीपत में एक आज तो क्या हुआ कि जैसे एक बूढ़ी लुगाई थी, उसका आर्ट की बीमारी थी पानीपत के अंदर, वही तो स्वर्गवास हो गया, माया देवी जी थी वे। अच्छा अच्छा, आर्ट की बीमारी थी उसके, उसने कह दिया था तू 10-15 दिन जीवेगी, डॉक्टर ने कह दिया था, मेरी वीडियो देखा कर दी वा। अच्छा। और पूरी रात जी रहने लगी, वो 3-4 महीने आराम तक कट गई उसका इंजन लास्ट टाइम बोले लहंगा पांगा बोले थे बोले लहंगा पांगा बोलिया तो भाई ये देख सकते हैं लहंगा पांगा भाई, मतलब मेरा भी ना ऐसा था पेट में दर्द कर दिया है। अच्छा अभी बताओ एक दिन की बात बताऊं, शुक्र मैं ना भाई साहब जैसे कपड़े का भी काम करा, जैसे मम्मी के लिए पानीपत जाना हुआ हमारा, काम करना चाहिए तो बस स्टैंड पे बैठा मेरी मैनू बोले हाँ तन्ने कौन जाना है तू, वह फद्दू बनाओ वीडियो बनाओ, कोई नहीं जानता तू, तो लोगों ने पकड़ ले रहा खड़े हुई है, बोले कोई नहीं खड़ा होंगे मम्मी, बोले ना 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 चल तू तड़के 6 बजे बस में बैठ लिया, हम तो पानीपत जाना था। अच्छा, बस में बैठे ओड़ा मिल गया एक कंडक्टर, मैं ओ बोला कट जाओगे, मैं बोला पानीपत, देख के ना बोला ठीक है टिकट लाऊंगा पाऊंगा मेरी मामा ने कहा यार भी जाना है, फिर पानीपत उतरे बस अड्डे पर उतर दे टेम्पू यूनियन सारी जाना है, बोले वह आ जाओ करनाल करनाल है लाऊंगा पाऊंगा रुके मान हरियाणा में होगा, आपकी पूरी पहचान हो चुकी है और मतलब ऐसा हरियाणा में कोई नहीं है आपको नहीं जानता होगा। बिल्कुल नू तो नहीं कह सकते कोई नहीं जानता होगा, बट ये है कि नू कह सका कि जानन लगे लोग, जानन लगे। अच्छा। शो भी होया थोड़े दिन पहले, मतलब मेरे प्रोग्राम भी होने लगे लोग, एक बस मैं नू कह दू ना दोस्तों नू कंधे खिलकी लाग जे, सिर्फ नू कहना है मैंने दोस्तों मैं यहाँ कनाडा में आया हुआ हूँ और चुगड़ते लांगा पांगा, उसे में लोग राजी हो जाए और मैंने कुछ नहीं समझा। अच्छा आप ये बताओ जो आप वीडियो बनाते हो जो रील बनाते हो, घर वाले है या फिर रिश्तेदार है ये नहीं बोलते कि आप ये क्या कुछ बना रहे हो, मतलब कुछ बोल देना आपका जो करे शुरुआत में न आदमी अच्छा काम करने खातर चाल पड़ो, अच्छा काम जो होता है ना राज्य आपने भी देखा होगा जो काम अच्छा करता होगा ना लोग जरूर टोकेंगे, और नू कुकर करियर है उसमें ना एक साइंस टो होंगे, अरे साइंस टो होने की जरूरत को ना अच्छे काम में अच्छा उसमें नू टो वो अच्छा ही कड़े है। तो शुरुआत में क्या भाई जो करे कई मेरा आप उधर फोन कर दे उन्हें भाई एक रख तैयारी थी भाई वो घर में सिर्फ इसका आपका ही मानना है, वो मेरा पदर फोन देखिए इसकी एक और वीडियो आ गई, इसकी एक और वीडियो आ गई, देख पेड़ तड़ा खड़ा है पीपल का पेड़ ने जमना पेड़ बताने लग रहा है, या को बात हो ये मेरा आपा एक दिन तंग हो गया उस तने बोला भाई तने बे रहा हो पीपला पेड़ ने बोला हाँ, बोले फिर उस पर क्या पूछा जामण का है बगले हटता ठीक एक आया आधे घंटा बैठे रहा बोला आर यो साहब आपका लड़का ने ना कल इसी वीडियो घेरी पूरा एक जगह खाचा हो रहा उड़े वीडियो बना, मैंने एक वीडियो बना दी थी दोस्तों देखो अभी हरियाणा में गोवा जाने की जरूरत नहीं है, इतना पानी इकट्ठा होगा टीप लेके अड़े ना लो गोवा अड़े है लाऊंगा पाऊंगा, मैंने वीडियो बना दी, मेरा आपो तो आ गया चाह पिएगा, बोला उन्हें कही बात कही मेरा सुनेगा सुनेगा, मेरा आपा ने बोला चाह पी ली, बोला हाँ बोला टुड़क ले सरक ले बंदा तो तेरे 5,000 बचवाओ गोवा जाने के गोवा बना लेने। अच्छा जो लांगा पांगा इसके अलावा क्या कुछ और काम करता है? और कुछ काम नहीं कर रहा मैं, बस यही काम आपका यही काम वीडियो बनाना घर बैठे रहना, शूटिंग आ गई शूटिंग पे चले गए, घर के भी तंग हो जाए ना बोला चले आ जाओ कि तो बोले ही गया थोड़ी अनबहर जाए फिर उल्टा है जो ठीक मतलब मेरा बेसिकली काम है वैसे भगवान की दया इसमें गॉड फादर नहीं है कोई अपनी लाइन के अंदर, करीबन 10 साल हो गए मेरे को इस लाइन में काम करते हुए, कई कलाएं हैं मेरे अंदर, कॉमेडियन तो मैं हूँ, एक्टर डायरेक्टर राइटर, अभी मैंने 5 फिल्म लिख रखी है उनकी बात चल रही है, कब शूट होंगी वो आगे ही बात है, बात चल रही है बस 5 फिल्म लिख रखी है, उसके बाद वेब सीरीज लिख रखी है वह शूट होने लग रही है, एक मेरी मैक्स प्लेयर पा लग रही है वेब सीरीज आने लग रही है, मतलब
आगे आगे सरप्राइज है, बताना नहीं चाहूँ था, भाई ने पूछ लिया तो मैंने बता दी। काम मेरा सिर्फ इस लाइन में यो है और दूसरा काम नांदा है को नहीं करूँगा तो वो भूडा करूँगा।